दोस्तों ये बारहमासी नींबू का प्लांट है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें काफ़ी सारा फ्रूट आया है, यानी नींबू आया है दोस्तों। तो ये एक 8 इंची के एक गमला में लगा हुआ है, सीमेंटेड गमला में। दोस्तों इसमें बारहमासी नींबू है, तो इसमें अभी देखिए कुछ नींबू लगा है, कुछ छोटा है, कुछ इसमें फूल भी आ रहा है। तो दोस्तों इसमें फूल आने के पहले आपको क्या करना है, और फूल जब इसमें फल में कन्वर्ट होता है तो आपको क्या करना है, और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आप दें कि नींबू के प्लांट में कि ज़्यादा नींबू फूट यानी ज़्यादा फूट आपको मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं पिंटू, आप देख रहे हैं डीपी गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए, यानी मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, क्योंकि जब भी कोई गार्डन रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों तो देखिए इसमें जो नींबू का प्लांट है, इसमें काफ़ी सारा इतना नींबू आया कि इसमें हमको एक लकड़ी करना पड़ा, नहीं तो एक बारिश जब होता था कि इसकी वजन के इसमें जो पौधा है, पौधा टूटने लगता है। तो इसमें डंडा से हमने क्या एक लाठी इसमें गाड़ दी है, देखिए वही गमला में, और इसी से हमने इसे सापोर्ट दे दिए कि हमारा ये प्लांट टूटे ना। तो दोस्तों इसमें हमने क्या किए थे, नींबू आने के पहले इसमें ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है मिक्स, जैसे बोन मील, नीम खोल और हार्मोन्स और मास्टर की पाउडर, ये मिक्स करके हमने जब देखा कि हमारे नींबू का प्लांट में फूल आने वाला है, तो उस समय हम इसमें मिक्स करके गमले में दिए थे, गमले के मिट्टी में। और दोस्तों ऑलरेडी मेरा गमला के मिट्टी में कैसे देना आपको फर्टिलाइज़र, ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो है, जाके नीचे देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जब फूल आने वाला था उसके पहले एक बार हमने अब बोरोन स्प्रे किए थे दोस्तों, और उसके बाद जब इसमें फूल से फल में कन्वर्ट होने लगा तो हमने एक बार फिर एक बार बोरोन को स्प्रे किए। तो उससे क्या होता है कि फूल आने के पहले करने से फूल आपका काफ़ी सारे फूल आता है, बहुत सारे फूल आता है, और उसके बाद जब फूल से फल में कन्वर्ट होने लगता है तब एक बार स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे तब जब फूल से फल में कन्वर्ट होने लगा तब अगर स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्लांट है, प्लांट में जितना फूल झड़ने वाले प्रॉब्लम होता है वो नहीं झड़ता, मतलब सारे फल में कन्वर्ट होता है, उसके साथ साथ आपका जो नींबू होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो दोस्तों नींबू के प्लांट में आसानी से आप काफ़ी सारा आप नींबू ला सकते हैं अगर आपके पास ट्रिप है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये बहुत सारे नींबू इसमें, इसकी डाल टूटने लगता है, इतना नींबू इसमें हुआ है।